जो साइकिल पर नहीं बैठा उसने लाइफ साइकिल वेस्ट किया है। मैं यहाँ पे हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में आया था, कैन की साइकिल फॉर गोल्ड का अवार्ड सेरेमनी था, वहाँ मैम से मुलाकात हुई और मैम के जो दादाजी हैं ब्रिगेडियर कटारिया साहब, उनका भी बहुत नाम सुना हुआ है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और साइकिल पे ही आया हूँ। मैं डेली कम से कम 100 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ और एक दिन की मेरी जो मैक्सिमम साइकिलिंग रही है वो 351 किलोमीटर रही है। पिछले साल मैंने 36,380 किलोमीटर साइकिलिंग की थी, इस साल कल तक मैं 13,031 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ और आज मेरी 333वीं 333 सेंचुरी में कम्प्लीट करूँगा। और आज शुभ नाम ही नहीं आपने बताया, रुपेश कुमार बाली मेरा नाम है और एयरफोर्स से मैं रिटायर हूँ। एयरफोर्स में बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, अब साइकिलिंग कर चुका हूँ। कहते हैं कि जो बाइसिकल साइकिल होती है वो द्विचक्रिका होती है और वो द्विचक्रिका संसार में प्रगतिशील गतिशील होने का सिंबल है। एक जोक भी था, हे पवन ठूसक मेरी द्विचक्रिका के अग्र चक्र में पवन भी ठूस। तब हम बचपन में बोलते थे कि हमारे साइकिल में हवा भर, पर आपने जो ये मोटो बनाया है बहुत खूबसूरत है। एक बार बोले, जो साइकिल पे नहीं बैठा उसने लाइफ साइकिल वेस्ट किया है, तो लाइफ साइकिल वेस्ट ना कीजिए, साइकिल पे आ जाइए। उससे दो फायदे हैं, सबसे पहले आपके पैसा बचेगा, सेहत बनेगी आपकी और वातावरण भी शुद्ध होगा। कोरोना में हमने कुछ नहीं किया था तो वातावरण कितना शुद्ध हो गया था। अब भी आप कुछ ना कीजिए, यानी पोल्यूट मत कीजिए, साइकिल पे आइए, तो ये मकसद आपका हल होगा। धन्यवाद। मेरी बस यही इच्छा है कि आप सेफ रहें, साइकिलिंग में सेफ होना और सारा इक्विपमेंट सेफ्टी का पहनना बहुत जरूरी है। थैंक यू।